आपका स्वागत है और मैं हूँ मोनिका। आज हम स्थित हैं बरेली कॉलेज के स्वास्थ्य विभाग में, जहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो आइए हम जानते हैं यहाँ टीचरों से व यहाँ के बच्चों से कि ये किस उद्देश्य के साथ स्टार्ट किया गया है। आइए। सर, आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। कम्युनिटी सर, ये किस विषय के साथ आपने स्टार्ट किया है, ये जो सेवा चला रहे हैं? सबको हो जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना का मतलब ही है कि राष्ट्र की सेवा करना है। और जहाँ तक बरेली कॉलेज की बात है, तो यहाँ के जो छात्र हैं, इनको एक क्षेत्र विशेष मिल जाता है कि यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, आपको इस तरह से जागरूकता फैलाना है। तो जागरूकता विषय कई विषयों में हो सकती है, शिक्षा के बारे में हो सकती है, स्वास्थ्य के बारे में हो सकती है, या COVID-19 जिसकी बातचीत अभी चल रही है, तो COVID-19 के बारे में भी हो सकती है। इस समय देखिए मैम जो बता रही हैं वो COVID-19 के बारे में बता रही हैं। यही काम ये बच्चे जब जाएंगे अपने क्षेत्र में, तो ये वहाँ के सामान्य लोग जो होंगे उनको इस विषय में जागरूक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बचने वालों की संख्या, हम आपसे जानना चाहते हैं ये कब तक चलेगा? अभी जो है राष्ट्रीय सेवा आयोजन का जो कार्यक्रम चल रहा है, वह एक दिवसीय समारोह है जो कि 3 दिन का भी लगातार चल रहा है। तो अभी इसमें आज का जो कार्यक्रम, उसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों को समाज को जागरूक करना है कि जो COVID-19 है उससे कैसे बचा जाए। और वर्तमान में वैक्सीन आ गई है, तो जब तक यह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक आपको जागरूक रहना होगा और COVID-19 के लिए बचाव के जो उपाय हैं उसका आपको नियमित रूप से पालन करना होगा। जी, तो सर जैसे कि कह रहे हैं कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और कोरोना से लोगों का भय भी खत्म हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं क्या? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सभी को अभी भी जागरूकता पूरी तरीके से वैसी ही रखनी है, सावधानी वैसी ही बरतनी है जैसे हम अब तक बरत रहे थे। क्योंकि अभी हमें वैक्सीन जरूर प्राप्त हुई है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अभी भी हमें उस बचाव को सबसे पहले देखना है कि जहाँ पर अगर इन्फेक्शन का दर ज़्यादा था, आज भी वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। वैक्सीन अगर हमें प्राप्त हो भी जा रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वैक्सीन ले लेने के बाद हम उस गाइडलाइन को फॉलो ना करें और फिर से हमें कोई इस तरीके की व्यवस्थाओं से फिर से गुजरना पड़े या हम कहीं से फिर से इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं। तो इसके लिए हमें सावधानी अभी से प्रिकॉशन ज़रूरी है। और ये आगे भी आपको हम इस तरीके से जागरूकता हम चलाते रहेंगे। जागरूकता अभियान में अभी हमने पिछले दिन एक मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसमें हमने सभी को जागरूक किया। जो आने वाले दिनों में पंचायत के भी चुनाव है, इसके पहले हमारा लोकतंत्र में अहम भूमिका है चुनाव की, उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया। हमें एक ऐसा क्षेत्र खुर्रम गोटिया नाम से गांव मिला हुआ है, जिसमें हम अपने बच्चों को ले जाते हैं और वहां पर जो भी लोग जागरूक नहीं हैं उन्हें जागरूक करते हैं। जैसा कि आज हमारी थीम है कि वैक्सीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीन के आने के बाद से हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों में जो डर था वो लगभग ख़त्म होने लगा। और वो डर ख़त्म होने में कहीं ना कहीं, जैसा अभी हमने न्यूज़ में भी पढ़ा कि अभी बात हुई कि भारत के हर चौथे व्यक्ति में ये संक्रमण का रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, और हो सकता है ये हो भी, ठीक है। और अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो आगे आने वाले दिनों में हमें कुछ परिणाम अलग भी देखने पड़ सकते हैं। तो हमें इसीलिए हमने इस कैंप को रखा कि आज हम ऐसे लोगों को जागरूक करें कि वैक्सीन के बाद भी वो पूरी सावधानी बरतें और आगे चलकर वो लोगों को, अन्य लोगों को भी जागरूक करें और आगे भी इसे चलाते रहें, ठीक है, धन्यवाद। तो सर ने बहुत अच्छा बताया है, और आइए हम साथ साथ मैम से भी बात करते हैं। हाँ, मैम भी बैठी हैं। तो मैम, आपका क्या कहना है इस शिविर के बारे में और क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मेरे तो सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी स्लोगन हमें छोड़ना नहीं है। लापरवाही का मतलब क्या हुआ, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। COVID-19 अभी गया नहीं है, उसका जो थ्रेट है वो भले ही कम हो गया हो, उसकी जो गंभीरता है भले ही कम हो गई हो, लेकिन जो COVID-19 का जो अभी हवा में असर है, समाज में असर है, देश में असर है, दुनिया में असर है, वो अभी बरकरार है, ठीक है। तो हमको लापरवाही नहीं दिखानी है, जो COVID-19 के जो हमें जो गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, दूरी बना के रखनी है और हाथ धोते रहना बराबर, ठीक है। जितना भी ये सब चीज़ें हम करते रहेंगे तो सावधानी से कोविड से बचे रहेंगे। इसके अलावा वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगवानी है। आज ही सुबह बताया गया कि 50 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों को अब नेक्स्ट उसमें स्लैब में उनको इंजेक्शन लगाया जाएगा, वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन भी लगवाइए, सावधानियाँ भी रखिए, हम जीत चुके हैं लगभग लगभग,
भारत वैक्सीन की दिशा में विश्व गुरु बन चुका है लगभग। हमने ना सिर्फ रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन को बनाया है, रिसर्च करी है, बनाया है, और हम 10 देशों से ज़्यादा देशों में वैक्सीन को फ्री में सप्लाई भी कर चुके हैंगे। तो इस मामले में हम भारत के विश्व गुरु बन चुके हैं वैक्सीन के मामले में। पूरी दुनिया हमारी मजाक बना रही थी जिस समय COVID-19 आया था, तो पूरी दुनिया में लोग बातें करते थे कि भारत इतना विशाल देश है, इतना पैसों से कमज़ोर देश है, तो यहाँ पर जो है COVID-19 का असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, हमने एक साल में रिसर्च भी कर ली, वैक्सीन बना भी ली, सस्ती वैक्सीन प्रोवाइड भी कर दी, और दूसरे देशों को इसको फ्री में हमने सप्लाई भी कर दी। तो पेशेंस रखनी है, धैर्य से काम करना है, नियमों का पालन करना है, और जितना थोड़ा बहुत बचा है इसको भी हमको जीतना है, और जय भारत तो जय विश्व कहना है। थैंक यू मैम। 7 दिवसीय शिविर के बारे में मतलब मैंने सुना है कि आगे ये भी होने वाला है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे। लगता है पहले कभी 10 दिवसीय लगता था, लेकिन अब 7 दिवसीय कर दिया गया है। NSS का मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना। मैं बच्चों को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अपने इस NSS के माध्यम से आपको ये एक सेवा का अवसर मिला है, तो आपको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एक थॉट है कि स्वयं सेवी संघ है ना, स्वयं से भी यानी कि तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सेवा करनी है। NSS का राष्ट्रीय सेवा योजना का मेन मकसद होता है जो ग्रामीण इलाके होते हैं, उन ग्रामीण इलाकों में जाकर के उन्हें कैसे देखभाल करनी है, अपनी अपने बच्चों की कैसे देखभाल करनी है, या उनके जो उनका जीवन है उस जीवन शैली को कैसे बदलना है, यह सब आप लोगों के द्वारा ही गाँव में ग्रामीण इलाकों में सिखाया जाता है। तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि एक सभी बच्चों को उन लोगों को जागरूक करने के लिए अपने आप को भी तैयार करना पड़ेगा, और तभी हमारा यह देश जागरूक भी हो सकता है। और आप पढ़े लिखे हैं, आपका ये सौभाग्य है कि गांव के लोग बहुत बच्चे नहीं पढ़ लिखते, बहुत सी पुरुष महिलाएं पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपने उनको जा कर के जागरूक करना है, स्वच्छता के बारे में बताना है, उनके करियर के बारे में बताना है, और जो आजकल जो सबसे मेन मकसद ये चल रहा है इस समय COVID-19 का, इसके बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए। अभी हमने यहाँ के शिक्षकों से बात की है, और आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के छात्रों से। क्या नाम है आपका? शिवम रस्तोगी। तो आप ये कब से चल रहा है शिविर? जी ये परसों से शिविर चल रहा है जी। और एक दिवसीय शिविर है रोजाना, वैसे ही थोड़ा टाइम पीरियड पे होता था थोड़े थोड़े समय बाद, मगर अभी इस समय कोविड वैक्सीन का जो पीरियड है उसके टाइम में जो है कम है, तो इसलिए ये अब रेगुलर वाला है। तो 3 दिवसीय है, ये आज समापन दिवस है इसका। तो आप कितना इस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं? जी पूरा फॉलो करा जा रहा है, हमारे जो शिक्षक हैं उनके द्वारा प्रत्येक दिन हमें बताया जा रहा है कि हमें कैसे सुरक्षा रखनी है और दूसरों को भी जागरूक करना है। अपने आप ही नहीं कि हम अपने आप सुरक्षा रखना कि दूसरों जागरूक नहीं करें, तो जागरूकता आज अभियान है, थोड़े समय में हम इस पे सर्वे कराया जाएगा और मास्क वितरण हुआ। जी आइए हम बात करते हैं आगे भी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है। तो ये कब से चल रहा है शिविर? ये 3 दिन से चल रहा है, परसों से। और आप कितना फॉलो कर रहे हैं इसे? इसे पूरा फॉलो कर रहे हैं, हमारे टीचर भी इसे फॉलो कर रहे हैं। और एक COVID-19 कल मतदाता दिवस की वो कराई गई थी गाइडलाइंस, आज COVID-19 की कराई जा रही है, और इसे आगे भी फॉलो करेंगे। आगे भी जैसे कहा है आगे भी, और लोगों को भी ये समझा रहे हैं, कोविड के बारे में बता रहे हैं। और आइए हम आगे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं गजेंद्र सिंह, NSS इकाई द्वितीय का छात्र हूँ। जी तो इस शिविर के बारे में क्या क्या आपने सीखा है? हमारा शिविर ये 4 तारीख से चल रहा है, 3 दिवसीय शिविर है। इसमें हम लोगों ने मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाली थी कल, उससे पहले हम लोगों ने अपना हमारा जो कॉलेज है आसपास के साफ सफाई के बारे में ध्यान दिया था, और आज हम लोग COVID-19 के बारे में बता रहे हैं, उसी के लिए जाएंगे अभी फील्ड में और लोगों को जागरूक करेंगे। जो 7 दिवसीय शिविर चलने वाला है वो कब से स्टार्ट होगा? वो हमारा 22 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। जी तो आप सब उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। तो उसमें क्या क्या बताया जाएगा और लोगों को कैसे क्या जागरूक किया जाएगा? हम लोग टीम बनाते हैं, और टीम बना के जो हमारा एरिया है वहाँ जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनकी जो समस्याएं उन्हें सुनते हैं, लिखते हैं और उन्हें जागरूक करते हैं। अभी हमने यहाँ के शिक्षकों से बात की है और छात्रों से भी बात की है, आइए हम बात करते हैं रक्षा अध्ययन के HOD से, आइए जानते हैं उनके बारे में। सर आपका सबसे पहले नाम जानना चाहते हैं। डॉक्टर मधुरेंद्र प्रताप सिंह। सर ये शिविर कब से चालू है और इससे क्या आप उद्देश्य देना चाहते हैं? ये शिविर आज 3रा दिन है, 3 दिन का था ये, और इसमें बच्चों को
क्रमशः एक दो अंतिम दिन है, दो दिन, एक दिन तो मतदाता जागरूकता के बारे में बताया गया है, वृक्षारोपण इत्यादि ये सब, और दूसरे दिन रैली है, सफाई अभियान चलाया गया, मतदाता चलाया गया, और आज COVID-19 से संबंधित मास्क पहले आप देख ही रहे हैं बच्चों को, तो COVID-19 से वैसे वैक्सीन तो आ गई है, लेकिन वैक्सीन अभी चूँकि उसका प्राथमिक प्रयोग कह लें, बाद में अभी इसका प्रभाव और कैसा क्या होता है, तो अभी इन लोग तक पहुंचने में अभी टाइम भी लगेगा, तो धीरे धीरे करते करते इसका सकारात्मक ही प्रभाव होगा और काफ़ी बढ़िया प्रभाव होगा, और सरकार भी सकारात्मक काम कर रही है इसमें, और निश्चित तौर पे ये इस महामारी जो विश्व की बहुत बड़ी महामारी है इसको दूर करने में काफ़ी सहायक होगी। सर, जब से वैक्सीन आई है लोग कोरोना से निश्चिंत हो चुके हैं, और जो भी सावधानियां बरत रहे थे शायद उन्हें भी अब उन लोगों ने बरतना छोड़ दिया है, तो अब उनके क्या समझाना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा यही कहना होगा कि देखिए, लापरवाही तो किसी भी चीज़ की खतरनाक होती है, तो इस क्षेत्र में चूँकि बहुत बड़ी महामारी है, इसमें लापरवाही बिल्कुल न बरती जाए, और जो शुरू से ही सरकार कह रही है कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, इसका पालन किया जाए, और जब तक एकदम से बीमारी से निजात न मिल जाए तब तक ही इसका पालन किया जाए कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो अभी भी सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए। मैं मोनिका भारती अपने सहयोगी सत्यम के साथ सिटी न्यूज़।